अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप तमाम का हमारे इस चैनल के अंदर खैर मकदम है। आज मंसूर से ज़ुबैर निज़ामी साहब का सवाल है कि बाइक, कार, बस के नीचे नारियल रखना कैसा है? लोग शादियों में जाते वक्त ये करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि ये गैरों का तरीका है। इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं और लोग इसे मौसर हकीकी समझ कर ये रस्म करते हैं, और खुदा वाहदहू ला शरीक लहू है, इसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई मुसलमान इसे मौसर हकीकी समझ कर ना करें, फिर भी ये फजूल और बेफ़ायदा काम और गैरों की मुशाबियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है तो वो उन्हीं में से हैं। इस्लाम में हर अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम पाक और कलिमात खैर से करना का हुक्म है। हदीस पाक में इसकी तरगीब भी है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि मुशरिकों के तरीक़े को छोड़कर इस्लाम के अहकाम पर अमल करें और अपने हर नेक व जायज़ काम से पहले अल्लाह उसका रसूल का नाम और जिक्र करके काम की शुरुआत की जाए। वल्लाहु आलम व रसूलु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।